डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। महोदय, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लोकतंत्र की सीमाओं से बाहर जाकर लेना लोकतांत्रिक सरकार के लिए सरल नहीं है। जो लोकतंत्र विकसित है वे भी जनता के उस भाग को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार करते हैं जिसका लोकतंत्र में ज़्यादा महत्व होता है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी जन सुविधाओं जैसे चिकित्सा, स्वच्छता और बेरोजगारी भत्ता जैसे मदों पर पर्याप्त खर्च करता है। चूँकि भाजपा गठबंधन सरकार भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए रेल बजट की परछाई आम बजट पर भी पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग रेल बजट को भी जन विरोधी या फिर सख्त बजट करार दे रहे हैं। दलों ने रेल बजट को जन विरोधी तो नहीं बताया लेकिन प्रदेश विरोधी अवश्य ठहराया है। यदि रेल मंत्रालय की वित्तीय हालत पर जाए तो वह बाजार से ऋण लेकर साख बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में यह भी बता देना आवश्यक होगा कि रेल मंत्रालय इस कर्ज पर 17% ब्याज का भुगतान कर रहा है। स्पष्ट है कि यह कर्ज भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार पर ही होता है, इसलिए इन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि भारत सरकार पर कर्ज का हर बोझ देश की जनता को ही उठाना है। यह इस विषय में यह तो सच है कि ऐसे कर्ज का बोझ वर्तमान पीढ़ी पर कम और आगामी पीढ़ी पर कहीं ज़्यादा होगा। सरकार यह तो कह सकती है कि आगामी पीढ़ी की जिम्मेदारी आगामी सरकारें उठाएंगी, लेकिन बीच के महत्व को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। जहां तक वित्तीय घाटे का प्रश्न है, यह चालू वर्ष में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। भाजपा गठबंधन सरकार कह सकती है कि 64,480 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा उसे पिछली सरकारों से विरासत में मिला था, लेकिन यदि चालू वर्ष में यह घाटा बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो फिर यह सिलसिला आखिर कब टूटेगा। इस विषय में भाजपा गठबंधन सरकार को यह उदाहरण स्थापित करना चाहिए कि वह सरकार के खर्च में भारी कटौती या रिकॉर्ड दर्ज कराए। लोकतंत्र में जितना महत्व शिक्षा का है उतना ही अशिक्षा का है। बजट तैयार करने में जिसको कितना महत्व दिया जा रहा है इस बात से भाजपा गठबंधन सरकार भी अनभिज्ञ नहीं है। महोदय, यदि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर जाए तो हाल ही में उसके एक कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सुझाव दे डाला कि भूखा रहने की कीमत पर भी पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा कि बुद्धि और शिक्षा को अलग अलग रखा गया है। समाप्त।